बिहार के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इसी दुर्दशा को लेकर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि बिहार सरकार की पोल खोल रही है। मंगल पांडे जी जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको यह वीडियो गौर से देखना चाहिए ताकि उन्हें उनके अस्पताल की दुर्दशा का पता लग सके। आपको बता दो कि यह वीडियो बिहार के अररिया के अंदर रानीगंज रेफरल अस्पताल का है, जहां की इस वक्त अस्पताल में एक महिला पिछले कई दिनों से एडमिट थी अपने प्रसव के लिए, लेकिन अस्पताल की तरफ से पूरी सुविधा भी नहीं दी गई और जैसे ही प्रसव पीड़ा तेज हुई वैसे अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया गया किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए, और नर्सिंग होम जाने तक के लिए कोई एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी नहीं प्रदान की गई। जैसे ही अस्पताल से बाहर महिला आती है प्रसव पीड़ा और तेज हो जाती है, लेकिन उनके साथ में जो महिला होती है जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इन लोगों ने ही सहयोग करके महिला का डिलीवरी करवाया। गरिमत यह रही कि महिला का डिलीवरी जो है सुरक्षित हो गया और महिला ने स्वस्थ 3 बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन आप इस वीडियो में ये जरूर देख लिया होगा कि बिहार की जो सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है वो कैसी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो जो है आला कमान संभाले हुए नीतीश सरकार तक पहुँचे, नीतीश कुमार तक पहुँचे, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अपनी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था देख पाए, क्योंकि वो लोग ढिंढोरा पीटते फिरते हैं कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, उनका दोनों का जो डबल ट्रैक इंजन सरकार है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये वीडियो से उनको पता लग पाएगा कि वो कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।